हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल डिबेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रिज, प्लॉट एंड स्लाइड। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एडमिशन के बाद काम में आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको हम डिटेल में बताते हैं। तो ये फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग आपको अलॉटमेंट होने के बाद काम में आते हैं कि आपको फ्रिज करना है, फ्लोट करना है या फिर स्लाइड करना है। आप में से कोई भी इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट्स या फिर मेरे भाई बहन देख रहे हैं तो उन लोगों को पहले से ही पता होगा कि क्या है ऑप्शन फॉर्म, क्या है मेरिट लिस्ट एंड क्या है अलॉटमेंट। तो ये जो प्रोसीजर आती है अलॉटमेंट के बाद आपको फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले व्हाट इज फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग। तो आपने जो ऑप्शन फॉर्म फिल करा है तो आपको पसंदीदा कॉलेज मिल गया तो आप फ्रिज कर सकते हैं। तो मतलब आपकी उसी कॉलेज में एडमिशन पक्की होंगी। जिन लोगों ने फ्रिजिंग करा है वो लोग सेकेंड राउंड के लिए अप्लीकेबल नहीं रह सकते, उनकी सीट पक्की होने पर वो सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन आपको बताते हैं कि व्हाट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ऑप्शन ऐसा होता है जिन लोगों ने ऑप्शन फॉर्म कौन से भी कॉलेज में भर दिया बगैर पसंदीदे, तो वो लोग चाहते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करना है। तो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करें, तो वो लोग फ्लोटिंग के द्वारा सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे सेकेंड राउंड में अच्छी सीट या फिर अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो वो लोग फ्लोटिंग कर सकते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन देखने वाले स्लाइडिंग क्या है। तो इस ऑप्शन में होता क्या, सपोज टू बी की देख लो कि आपको IIT दिल्ली में माइनिंग इंजीनियरिंग मिल गई। आपको क्या चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए उसी कॉलेज में, IIT दिल्ली में आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। स्लाइडिंग ऑप्शन द्वारा ब्रांच चेंज कर सकते हैं, मतलब उसी कॉलेज में आपको हायर ब्रांच सीट मिल सकती है स्लाइडिंग द्वारा। तो उसके लिए आपके पास अच्छी रैंक होनी चाहिए तो आपकी सीट मिल सकती है अलग ब्रांच में, मतलब आप उसी कॉलेज में अलग ब्रांच ले सकते हो, सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो स्लाइडिंग द्वारा। तो आपको ये तीन ऑप्शन जब अलॉटमेंट होता है तभी आपको ये देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं देखने को मिलता है। ये जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है तभी आपको ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं या फिर आपको करने पड़ते हैं। बट जिन लोगों ने प्लॉटिंग की है वो अगले राउंड में अप्लीकेबल नहीं हो सकते। और भी अच्छी डिटेल आपको इसके बारे में जानना है तो आप JEE एडवांस के वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो और फिर जान सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि यहाँ से आप जाके देख सकते हो कि क्या है फ्रिजिंग, प्लॉटिंग एंड स्लाइडिंग। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना उन दोस्तों के पास जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर उन लोगों को समझ में नहीं आता कि फ्रीजिंग क्या है, प्लॉटिंग क्या है एंड स्लाइडिंग क्या है। तो चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल।